एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है 11 बजे का टाइम हो रहा होगा और आ जाइए, देखो घुम्मा घुम्मा जा रही है। और ये जब दो चोटी बनाती है ना, मैं इसकी जब दो चोटी बनाती हूँ तो ये बिल्कुल मेरे जैसी लगती है, क्योंकि मेरी एक बचपन की पिक्चर है, मतलब वहाँ पर मेरे घर में लगी हुई है। तो उसमें ना मैं बिल्कुल ऐसे ही लगती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें दो चोटी बना के रखी हुई है। और अभी हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आज मैंने ये वाला गाउन वियर किया है, पार्टी में जा रहे हैं, आद्या बता रही है। हाँ, चलो निकलो, पापा से जाओ, की लेके आओ, गेट की। तो लॉक लगा लेते हैं। एंड अभी आज वर्कर काम बंद करके रखे हुए हैं, तो आज थोड़ा सा फ्री हैं। और हस्बैंड जी भी आज घर पे हैं, छुट्टी पे हैं, तो इसकी वजह से मिल जाता है टाइम बाहर जाने का। वरना जब हस्बैंड जी भी नहीं होते, ऑफिस चले जाते हैं एंड वर्कर वगैरह लगे रहते हैं, तो फिर कहीं बाहर आने जाने का समय एक्स्ट्रा नहीं निकल पाता है। तो धूप काफ़ी तेज़ है आज, बहुत ही तेज़ धूप निकली हुई है। अगेन बारिश के मौसम के बाद ना फिर से जब धूप निकली हुई तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो चलिए पहले लॉक लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। बहुत बदमाश है, इसके चेहरे से पता चल रहा है कितनी बदमाश है ये। और ये देखो, पापा से आज इसने सुबह सुबह पंगा ले लिया ना, क्यों? हाँ। आज पापा से डांट पड़ी आद्या को, बहुत अच्छा हुआ। रोज मम्मा डांटती है, आज पापा ने डांटा है ना। सामने प्रगति मैम हैं, तो अभी हम दोनों लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि दोनों के जो हमारे बच्चे हैं वो सेम एज के हैं, तो हम दोनों ना थोड़ी सी बातों में लग गए थे यहाँ पे। और काफ़ी कुछ अच्छा सा लग रहा है, फंक्शन भी बहुत अच्छा सा हो रखा है, पूरा अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया गया है। तो स्कूल यहाँ पर मेहंदी वाले भैया बैठे हुए हैं, तो सबके मेहंदी लगाते जा रहे हैं। और इधर साइड सरस्वती माता की प्रतिमा स्थापित की गई है, और दूसरे साइड स्टेज में सारे बच्चों को गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। एंड और आज बच्चों को रिज़ल्ट भी दिया जा रहा है, तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं। और सब लोग अभी फंक्शन भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी हो रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, तो यहाँ पे फ्री गिफ्ट्स भी दिया जा रहा है, लकी ड्रॉ वाला गिफ्ट्स है। तो यहाँ पे सारे बच्चों के नाम लिख करके ना इसमें डाले जा रहे हैं, और जिसका भी लकी ड्रॉ निकलेगा तो उसको गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद इधर साइड हम लोग आ गए हैं, इधर खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया है, तो कुछ नाश्ते वगैरह का प्रोग्राम है, तो इस साइड भी है, पूरा आपको दिखा देते हैं। और मैम भी बिज़ी हैं, क्योंकि प्राही भी छोटी है और आद्या को भी मुझे बार बार ना देखना पड़ रहा है, तो फंक्शन वैसे बहुत सब्सक्राइबर है रूबी जी, वो मुझे कमेंट करी हुई थी कि आप कितना कुछ मैनेज कर लेते हो, घर बच्चे जॉब बहुत सारे। तो मैडम
टोमेटो सॉस के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बच्चों को देख सकते हो आप किस तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ मैजिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना हो, तो माता पिता को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे सभी पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं और सभी की खुशी का ठिकाना नहीं दिख रहा है, सब अपने बच्चों के साथ बिजी हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स चलते हैं तो उस टाइम पे पेरेंट्स का भी एक्चुअली एग्ज़ाम्स चलता है, क्योंकि पेरेंट्स को पूरी तैयारी करवानी होती है, बच्चों को प्रिपरेशन पूरी करानी होती है। और उस समय तो जिस लेवल के बच्चे होते हैं, छोटे हो या बड़े हो, पेरेंट्स की नींद आना बंद हो जाती है, तो वही हाल होता है। और वो तब तक रहता है जब तक रिज़ल्ट नहीं फाइनल उनके हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पर अभी सारे पेरेंट्स इंजॉय कर रहे हैं और चाउमीन है, फ्रेंच फ्राइज़ है, सैंडविच है, कॉफ़ी है एंड नूडल्स है, मतलब इस तरह का सब कुछ है। तो यहाँ पे बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और हम आपको स्टेज की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा मैजिकल प्रोग्राम हो रहा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा अपने वीडियो में शूट किया है। यहाँ पे देख सकते हो आद्या कैसे खाने में लगी हुई है, और घर पे बच्चों को कितना भी प्यार से बैठा के आराम से क्यों ना खिलाओ, बच्चे खाने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो खुद से ही खा पी लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे सभी मस्ती करने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हुआ और मज़ा खूब आया। हम लोगों ने काफ़ी देर तक साथ में मस्ती करी, हस्बैंड जी काम से बाहर गए हैं, एक्चुअली कार में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पर नहीं रुके हैं, बस हमें ड्रॉप करके चले गए हैं। एंड मैं यहाँ पर बच्चों के साथ लगी हुई हूँ और अक्षत नहीं है क्योंकि वो नानी के घर पे है, अगर वो होता तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता। तो आज मुझे बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इतनी याद सुबह से ही पता नहीं क्यों आ रही थी इतनी, और आज ना बस सुबह सुबह इसी बात पे मुझे रोना आ गया कि पता नहीं क्यों कभी कभी होता है ना, बच्चे जब दूर रहते हैं, और वैसे भी अक्षत मुझसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रहा है। प्रोग्राम ओवर हो चुका है, आद्या आ जाओ। सभी पेरेंट्स जा रहे हैं घर की तरफ, मैं भी निकली हूँ, और ये देखो आधे बलून लेके मस्ती करने में लगी हुई है ना। फंक्शन ओवर हो चुका है, हम आ गए हैं बाहर। एक्चुअली फंक्शन तो अभी चल ही रहा था लेकिन हम लोगों को आना पड़ा, और यहाँ पे देख सकते हो हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो अभी उनका वेट भी कर रहे थे हम लोग रोड में। धूप काफ़ी तेज़ है और आद्या को मैं यहाँ पे गन्ने का जूस पिला रही थी, शुगर केन जूस, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये जहाँ भी देखती ना अपनी फिंगर उठा करके बोलने लगती मम्मा शुगर केन जूस, तो फिर मुझे इसको पिलाना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। अगेन आद्या आपको खाते पीते दिख रही है, तो यहाँ पे ये गोलगप्पे खाने में लगी हुई है, और मैं हस्बैंड जी हम लोग सब लोग बाहर आए हुए हैं, यहाँ पे शाम का टाइम है, तो वैसे तो ये ज़्यादा कुछ बाहर का खाते नहीं है लेकिन मेरी खुशी के लिए खा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डोसा ऑर्डर किया हुआ है, ये स्ट्रीट फूड है वाला एरिया है, पाव भाजी, डोसा, गोलगप्पे, चाट, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, इवन आइसक्रीम, कुछ भी मतलब खाना हो पूरा यहाँ पे फुल आपको दिख रहे होंगे, स्टॉल लगे हुए हैं, तो सब लोग ऐसे रोड साइड फूड है ये, तो सभी लोग ऐसे बैठ करके ना बाहर खाते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे खाने वाले, हस्बैंड जी बोल रहे हैं चलो घर के लिए पैक करा लेते हैं, घर में आराम से बैठ के खाएं। डोसा घर ले जाने के बाद ना एकदम सॉफ्ट पड़ जाता है, वो क्रिस्पी पन ना इसका चला जाता है, और डोसा जितना क्रिस्पी होता है उतना ही खाने में मज़ा आती है, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं यहीं पर खाते हैं, जो मज़ा यहाँ खाने में वो घर जा कर के खाने में कहाँ है।
तो चलिए अभी रात के बज, तो चलिए हमारा डोसा आ गया है और हम लोग खा पी लेते हैं और वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जब आपका सपोर्ट और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आदिया फैमिली चैनल। बाय।